सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात बच्ची की मौत, परिजनों ने थाने पर किया हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बैराड़ थाना क्षेत्र के भदेरा गांव के निवासी बाबी कुशवाहा की 1 माह 5 दिन की बेटी सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची को रात में दस्त की शिकायत थी, जिसका इलाज बैराड़ नगर के सरकारी अस्पताल में कराया गया था, जहां इलाज के दौरान बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर ने बच्ची को शिवपुरी रेफर कर दिया। शिवपुरी जिला अस्पताल पहुंचते ही बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बैराड़ थाने पहुंचकर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने इस मामले में परिजनों की शिकायत पर मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम है आजाद कुशवा। अच्छा, तो आजाद कुशवा जी, मतलब अब लड़की जो खत्म हुई है छोटी सी, हाँ, दिन की कितनी है? 35 दिन की। अच्छा, तो कैसे क्या खत्म हुई है? मतलब इसको क्या हुआ था, कल मतलब लगभग रात से 3-4 बजे फिर दस्त की शिकायत आई थी, तो जिला मतलब जो क्या बोलते हैं सरकारी अस्पताल में लेके गए थे, तो वहाँ से नरेंद्र वर्मा डॉक्टर ने इसको एक सिरप दी थी, तो हमने वो मतलब उसको पिलाई थी शाम को, तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम आई जैसे उसको मतलब जहर पिला दिया, उसका शरीर पूरा हरा नीला पड़ने लगा। फिर उसके बाद आज सुबह लगभग 7 बजे मतलब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी ना, तो हम फिर से अस्पताल में लेके गए थे, तो वो ये बोल रहे थे कि मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि सिरप की वजह से है, ऐसा हमने उससे भी बोला, तो वो ये बोल रहे ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने ये बोला था कि इसको फीवरी रेफर कर देते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम फीवरी लेके गए थे, तो मतलब क्या रास्ते में लड़की खत्म हो गई थी वहाँ पे, वहीं फिर मेडिकल, वहाँ पर मतलब हमने 2-4 प्राइवेट डॉक्टरों से मेडिकल कॉलेज में पूछवाया था, तो उन्होंने भी यही बताया था कि ये सिरप की वजह से लड़की को इन्फेक्शन हुआ है और इसी वजह से खत्म हो गई है। तो आप किसको दोषी मानना चाहते हैं? डॉक्टर को, प्रशासन को। कौन से डॉक्टर? नरेंद्र वर्मा। नरेंद्र वर्मा, तो उन्हीं के हाथों से दी गई है। नरेंद्र वर्मा ने कही थी सरकारी अस्पताल पे थे कल, और फंजा कोई बुआई दवाई फवेरी तो मोड़ी है, भी उन्हें तो जहर का लो है, और फवेरी 10 बजे तो खत्म हो गई। तो आप लोगों को कैसे पता किसी दवाई का? सीपरी का यमन से मेडिकल कॉलेज हमने देखा है, इसी बेंजी ने बोला था कि दवाई रिएक्शन, ये दवाई दी है ना, इसी से इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, इस बात को दवाई भी इन्फेक्शन हो जब आज शाम को डॉक्टर ने कह दई, एक ने नहीं कही, नहीं क्या मेडिकल कॉलेज वालों ने कहा था कि इस दवाई से, हां ये दवाई भी हुआ है मेडिकल कॉलेज पे कहा था हमसे। और ये बच्ची के पेट को भी देख सकते हैं, ये पूरा प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी यही बताया उसका, मुंह को पार के देखो मुंह में क्या हो रहा है, थोड़ा का मुंह अब जल गया अंदर। अब आप क्या चाहते हो? अब हम उन पे कार्रवाई की चाहते हैं। किस पर? डॉक्टर को सस्पेंड, नरेंद्र वर्मा, सरकार पे कार्रवाई, सरकार पे कार्रवाई जो आज आज तक किट ना आए तो हमारे साथ में हुआ है इस दवा से, कल आप किसी की लाने देंगे तो क्या होगा, कितनों की मौत होगी, इस चीज को का है, इसकी जांच की जाए, कार्रवाई की जाए, क्या चल रहा है, अंधा शासन चल रहा है। मर्ग बच्ची का कारण हुआ है, ये क्या कुछ मामला? भदेरा की बाबी कुशवा की 37 दिन की बच्ची है, जो कल उसे दस्त लगने से उन्होंने डॉक्टर यहाँ बैराड़ के डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी को दिखाया था, उन्होंने कुछ दवाई वगैरह उसे दी थी, और रात को दवाई लेने के बाद बता रहे हैं उसकी तबीयत बिगड़ गई, और सुबह फिर डॉक्टर साहब के पास ले गए तो उन्होंने उसको सीपरी रेफर कर दिया, जहाँ सीपरी जिला अस्पताल पहुँचते ही उसकी डेथ हो गई है। वो यहाँ लेकर आए हैं, उन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि दवाई जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने दी थी उसको पीने से उसकी तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई है, और पीएम कराना चाह रहे हैं, जो मर कायम कर बच्ची का पीएम कराया जा रहा है।